सरसों तेल में ये मिला लो, 4 दिन में बाल इतने घने सिल्की होंगे, डेंड्रफ होगा जड़ से खत्म, सफ़ेद बाल फिर से होंगे काले। दोस्तों आज हम जानेंगे बालों को किस तरीके से हेल्दियर रखना है सर्दियों में, खास करके ये नुस्खा ऑल वेदर में काम आने वाला है। दोस्तों अगर आपको काफ़ी ज़्यादा डेंड्रफ होती है सर्दियों में, या ऑल ओवर आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है ही स्कैल्प में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और उसके साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं, या आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक हो गए, ड्राई डैमेज है, या आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन रहते, पतले हैं, आपके बाल में कोई भी प्रॉब्लम होगी, उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। हम किस तरीके से घरेलू चीज़ों से ही बालों के झड़ने की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो पर हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, एक हेयर फॉल से और दूसरी बालों के ड्राइनेस से, दो रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और लास्ट में दोस्तों आपको बोनस टिप्स भी दी जाएगी इस वीडियो में। दोस्तों आपको इस वीडियो को 8 से 10 मिनट निकाल के आराम से देख रहे हैं, ताकि आप अच्छे से बालों की केयर कर पाओ और आपके बालों के झड़ने की सभी प्रॉब्लम को दूर कर पाओ। तो इस वीडियो पर बने रहना एंड तक। और आप इस चैनल पर पहली बार हो तो जो रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर जो मैं अच्छे कंटेंट डालूंगा आप लोगों के लिए, उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से लाइक कर देना, जब आप लाइक करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाने के लिए। और एक कमेंट्स जरूर करना, आपको क्या प्रॉब्लम है बालों में, या बाल ड्राइनेस की या हेयर फॉल की। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको कच्ची घानी का तेल, यानी मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, सरसों का तेल भी कहते हैं, दोस्तों किराना स्टोर पर इजीली अवेलेबल होता है, या आप मेडिकल स्टोर पर से भी खरीद सकते हैं। ध्यान रखना आपको सरसों ऑयल, यानी कि जो हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, उसको आपको प्योर ही यूज करना है। दोस्तों होता है क्या, कई खुशबू वाले तेल होते हैं जिसमें मिनरल ऑयल होता है, मिनरल ऑयल दोस्तों आपके बालों को बहुत ही ज्यादा ड्राई कर सकता है, आपके हेयर को थिन कर सकता है। दोस्तों आप सोचोगे मैं हेयर ऑयलिंग कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आपका हेयर ऑयली बराबर नहीं रहेगा, यानी कि बेकार रहेगा, डुप्लीकेट रहेगा, या उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होगी, तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ध्यान रखना आपको आर्टिफिशियल खुशबू वाला कोई भी हेयर ऑयल यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 70 से 80% आपको मिनरल ऑयल मिलता है। दोस्तों तो आप जब भी कोई भी ऑयल बाय करो तो उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करो, इंग्रेडिएंट्स आपको जरूर चेक करना चाहिए। तो दोस्तों आपको प्योर 5 ग्राम के करीब ऑयल ले लेना है एक बाउल के अंदर, स्टील का बाउल लेना है। दोस्तों ध्यान से सुन लो, आपको स्टील के बाउल के अंदर 5 ग्राम के करीब सरसों ऑयल निकाल लेना है। दोस्तों बात करके सरसों ऑयल के फायदे की, तो सरसों ऑयल नेचुरल कंडीशनर है बालों का, बालों को नरिश करेगा, आपके बालों में वाइटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेगा, मिनरल्स देगा आपके बालों में, जो आपके बाल हेल्दियर दिखाई देने लगेंगे, आपकी स्किल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का भी काम करता है। अगर आपको दोस्तों DHT की प्रॉब्लम है, दोस्तों DHT में होता है क्या है, हमारे बोल्डनेस की प्रॉब्लम होती है जो बीच के एरिए में होती है, तो उसको भी ये मेंटेन करता है, आपके स्किल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। दोस्तों अगर आप प्योर वाला सरसों ऑयल यूज़ करते हो, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है प्योर वाले सरसों ऑयल के अंदर, इसको मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। अगर आप इस ऑयल को दही के साथ भी यूज़ करते तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जो अगली रेमेडी में आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो पर बने रहना, किस तरीके से हम फर्स्ट रेमेडी पर काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम बालों के झड़ने की प्रॉब्लम को, डेंड्रफ को रिमूव करने वाले। तो आपको सबसे पहले 5 ग्राम दोस्तों सरसों ऑयल एक स्टील के बाउल के अंदर निकाल लेना है, ध्यान से सुन लो, स्टील के बाउल के अंदर ही लेना है, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें करने वाले। 2 विटामिन E की कैप्सूल ले लेना है आपको, मेडिकल स्टोर पर से ईवियन की आप विटामिन E की कैप्सूल ले सकते हो, 2 विटामिन E की कैप्सूल ऐड कर देना है बिल्कुल अच्छे से। दोस्तों बात करेंगे विटामिन E क्या करेगी, दोस्तों विटामिन E भी आपके बालों को हेल्दियर रखेगी, बालों की इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करती है, आपके बालों को स्ट्रोंगर बनाने का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन E के अंदर भरपूर मात्रा में पाया गया है, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। दोस्तों तो विटामिन E की कैप्सूल को 2 निकाल लेना है सरसों ऑयल के अंदर, स्टील के बाउल के अंदर ही सरसों ऑयल को निकाल लेना है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको तीसरी और लास्ट चीज ऐड करना है, वो है कस्टर ऑयल। दोस्तों कस्टर ऑयल भी आपको प्योर वाला ही लेना है, मेडिकल स्टोर पर से अच्छे से पूछ करके लेना है कि हमें प्योर कस्टर ऑयल दे दो। दोस्तों कस्टर ऑयल बालों का
लुब्रिकेट है, बालों की ड्राइनेस को बिल्कुल ख़त्म करता है और बालों को हेल्दियर रखता है, स्ट्रोंगर बनाने का काम करता है दोस्तों। तो कस्टर्ड ऑयल सिर्फ एक स्पून ही ले लेना, इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना अच्छे से। मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले पानी को बॉईल कर लेना है, बिल्कुल पानी को उबाल लेना है। और पानी को बॉईल करने के बाद जो हमने सरसों ऑयल से ये रेमेडी तैयार की है, विटामिन ई की कैप्सूल मिलाई, कस्टर्ड ऑयल मिलाई, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने पानी को बॉईल करा उसके अंदर स्टील का बाउल को रख देना जो हमने रेमेडी तैयार की। हल्का हल्का गर्म हो जाए, वर्म हो जाए तब इसे यूज़ करना, हल्का गुनगुना हो जाए तभी इसको यूज़ में लेना है। स्केल पर अच्छे से मसाज करना है ओवरनाइट के लिए और बालों की लेंथ पर लगाना है। इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको वीक में 2 से 3 बार जरूर करना है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो 1 दिन छोड़ के इसे आपको एप्लीकेशन करना है अपनी स्केल पर और बालों की लेंथ पर। यह थी खास रेमेडी डेंड्रफ को रिमूव करने के लिए। सफ़ेद बाल अगर आपको बहुत पहले से आने लगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए और आपके बालों को भी ड्राईनेस से बचाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी रेमेडी है। लेकिन दोस्तों हम जो दूसरी रेमेडी जानेंगे उसमें बहुत ही पावरफुल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपके बालों के ड्राइनेस बिल्कुल कम हो जाएगी और आपके बालों में से कर्लीपन जो फ्रिजनेस होती है वो एलिमिनेट होगी और आपके बाल सॉफ्ट स्मूथर दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है, जो हम सेकंड रेमेडी पर बात कर रहे हैं, तो आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए सिर्फ 5 ग्राम आपको सरसों ऑयल एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। जो भी बाउल आपके पास अवेलेबल हो उसके अंदर आपको 5 ग्राम सरसों ऑयल ले लेना है। सरसों ऑयल के फायदे हमने वीडियो के पहले आपको बता दिए। अब दोस्तों आपको इसके अंदर 4 स्पून दही मिला देना है, दही यानी कि कर्ड। 200 दही जरूर ऐड करना सरसों ऑयल के अंदर। अगर आपको डेंड्रफ की बोलो में स्केल्प में या आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक है, ड्राई है, दोस्तों दही के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्केल्प को हेल्दियर रखता है और बालों को सॉफ्ट सिल्की स्मूथर बनाता है। तो 4 स्पून आपको दही को 5 ग्राम सरसों ऑयल के अंदर मिला देना है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको तीसरी और लास्ट चीज़ ऐड करना, वो है किराना स्टोर पर से लेकर आना है आपको कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर कितना ऐड करना है, 2 स्पून के करीब। कॉर्नफ्लोर आपके बालों में से फ्रिजनेस को एलिमिनेट करता है, आपके बालों के अंदर वॉल्यूम ऐड करता है। अगर आपके बाल में वॉल्यूम नहीं आ रहे, बिल्कुल थिन बाल है, तो उन बालों को स्ट्रोंगर भी बनाएगा, थिक्कर भी करेगा, बालों की इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज भी करता है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, आपकी बालों की हेल्थ मजबूत कर देता है। तो कॉर्नफ्लोर आपको 2 स्पून ऐड कर देना है, सरसों ऑयल और जो हमने 4 स्पून दही मिला है उसी के अंदर कॉर्नफ्लोर 2 स्पून ऐड कर देना है। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद ये क्रीम तैयार हो जाएगी। बात करें दोस्तों इस स्मूथनिंग क्रीम को किस तरीके से यूज़ करना है, आपको स्केल पर लगाना है और बालों की लेंथ पर लगाना है कम से कम 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद आपको बालों को धो लेना है, बिल्कुल आसान तरीका है आपको इसको यूज़ करने के लिए। अब दोस्तों बात करेंगे बोनस टिप्स की, जो मैंने आपको बोला था वीडियो के पहले, आपको वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने हेयर वॉश पर ध्यान देना है। अगर आपको डेंड्रफ बहुत ज़्यादा रहती तो आपको 1 दिन छोड़ के हेयर वॉश जरूर करना है और आपको एंटी डेंड्रफ शैम्पू जरूर यूज़ करना है जिससे आपके डेंड्रफ क्लीन हो गए। और उसके बाद आपको सीरम का जरूर इस्तेमाल करना है, सीरम लगाए बिना आपको कॉम्ब नहीं करना है, आपको सीरम जरूर लगाना है जिससे आप इजीली कॉम्ब कर पाओगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।